हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू एजुकेशन। हमने पार्टनरशिप का टॉपिक शुरू किया हुआ था और उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है? ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है पार्टनरशिप फर्म, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये ड्राइंग क्या होता है? अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पार्टनरशिप फर्म में से कोई पैसा विड्रॉ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। और इस ड्राइंग पर पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? तो आपको बता दें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक इनकम होती है, क्योंकि वो किसके ऊपर चार्ज होती है? पार्टनर्स के ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ड्राइंग का अमाउंट है वो कैसा है, इक्वल अमाउंट की ड्राइंग की गई है या अनइक्वल अमाउंट की ड्राइंग की गई है। दो तरह के अमाउंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वल एंड अनइक्वल। इक्वल मींस कि हमने सेम अमाउंट सेम इंटरवल पर विड्रॉ किया है, तो उसको तो हम बोलेंगे इक्वल ड्राइंग। और अनइक्वल ड्राइंग मींस हमने अलग अलग अमाउंट, जैसे कि हमने 1 अप्रैल को तो 5,000 रुपये विड्रॉ किए हैं एज अ ड्राइंग, और उसके बाद 1 जुलाई को हमने विड्रॉ किए हैं 2,000 रुपीज, और उसके बाद 1 जनवरी को हमने विड्रॉ किए हैं 1,000 रुपीज, और 1 फेब को विड्रॉ किए हैं 3,000 रुपीज। तो यहाँ पर देखिए टाइम इंटरवल भी अलग है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी अलग है, तो ये क्या होगा? हमारा अनइक्वल ड्राइंग। अब अनइक्वल ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ये हमने कल डिस्कस किया था, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अब देखिए सिंपल मेथड कैसे रहेगा। सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड, अब मान लीजिए कि वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1 अप्रैल को 5,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितना चार्ज कर रहे हैं हम? 10% पर एनम, और 1 जुलाई को 2,000 विड्रॉ किए हैं, 1 जैन को 1,000 विड्रॉ किए हैं, और 1 फेब को 3,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ किए गए हैं। अब इसमें अगर हम सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करते हैं, तो 5,000 रुपीज पर 10% बाय 100 मल्टीप्लाई, कितने टाइम के लिए विड्रॉ कर लिया इन्होंने? 1 अप्रैल को ही विड्रॉ कर लिया, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया? पूरे 12 मंथ्स का हो गया ना, तो पूरे 12 मंथ्स का इस पर करेंगे, तो इसमें सीधा सा हम 10% फाइंड आउट कर देंगे, 500 रुपीज। क्योंकि पार्टनर्स ने जो 5,000 रुपीज हैं वो फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है मान लीजिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च का था, तो फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया 5,000 रुपीज और अपने लिए यूज किया है, तो फर्म जो है वो 5,000 पर पूरे 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट लेगी। उसके बाद है 2,000 रुपीज पर जुलाई में उन्होंने विड्रॉ किए हैं, तो जुलाई में विड्रॉ किए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? तो अब इसमें देखिए जुलाई में विड्रॉ करने के बाद पार्टनर्स ने ये कितने मंथ्स के लिए यूज किया है? पूरे 9 मंथ्स के लिए यूज किया है, तो 9 मंथ्स के लिए वो क्या देंगे? फर्म को इंटरेस्ट देंगे। तो 2000 मल्टीप्लाई 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 9 बाय 12, ये 3,400,150 रुपीज हो जाएगा ये। उसके बाद है 1,000 रुपीज उन्होंने जैन में विड्रॉ किया है, जैन में विड्रॉ किया है मीन्स की 3 महीने के लिए सिर्फ 1,000 रुपीज का यूज किया है, तो 3 मंथ्स के लिए ही वो क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे पार्टनरशिप फर्म को 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 3 बाय 12, 3,400,425 रुपीज हो जाएंगे। और फैब में 3,000 रुपीज उन्होंने विड्रॉ किए हैं, 2 मंथ्स के लिए विड्रॉ किए हैं, 2 मंथ्स का ही वो इंटरेस्ट देंगे, 3,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 2 बाय 12, 6,50 रुपीज।
तो ये जो भी टोटल आएगा हमारा ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा। अब ये तो था हमारा सिंपल मेथड, इनमें हमने अलग अलग जो है उसको फाइंड आउट किया है। अब अगर प्रोडक्ट मेथड की बात की जाए तो प्रोडक्ट मेथड में हम किस तरह से कंसीडर करेंगे इसे, 5,000 रुपीज कितने मंथ्स के लिए यूज किए हैं, 12 मंथ्स के लिए। तो 12 को हम उसके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60,000। जितने मंथ्स के लिए हम जो अमाउंट यूज करेंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2,000 रुपीज 1 जुलाई को विड्रॉ किए थे, 9 मंथ्स के लिए यूज किए हैं, तो 2,000 × 9 18,000। 1,000 3 मंथ्स के लिए यूज किए हैं, 1,000 × 3 3,000 और 3,000 2 मंथ्स के लिए यूज किए हैं, तो 3,000 × 2 इज इक्वल्स टू 6,000। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 87,000 रुपीज। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला यही बार एप्लीकेबल होगा, नहीं, प्रोडक्ट मेथड के लिए जो है वो अलग फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। वो क्या रहेगा, इन अमाउंट, जो प्रोडक्ट किया हुआ अमाउंट आएगा, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब इसमें जो मंथ होगा वो कितना कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ 1/12 आएगा। और अगर हम सिंपल मेथड यूज करते हैं तो जितने मंथ के लिए हम यूज कर रहे हैं उस पैसे को, वो अमाउंट, वो टाइम पीरियड लिखा जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना आया है, 87,000 मल्टीप्लाई रेट हमारा कितना है, 10/100 मल्टीप्लाई 1/12। अगर आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो ये तो थे हमारा सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अब क्या इक्वल ड्रॉइंग जो होंगी, क्या वो भी इसी मेथड से फाइंड आउट की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन वो जो क्या हो जाएगा, एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हम हमने क्या किया, एक हम शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे, वो क्या रहेगा अभी देखते हैं। अब इक्वल ड्रॉइंग मीन्स की फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ हम 1,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं, ये भी हो सकता है 1,000 रुपीज फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ मीन्स की फर्स्ट ऑफ अप्रैल को 1,000 रुपीज, फर्स्ट ऑफ मई को 1,000, फर्स्ट जून को 1,000, इस तरह से करते करते फर्स्ट मार्च तक हम क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ 1,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो एंड ऑफ द डे है, एंड ऑफ द मंथ है, सॉरी, एंड ऑफ द मंथ मीन्स कि 30th अप्रैल को हम यू फाइंड आउट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं 1,000 रुपीज, 2,000, 3,000, 5,000 वट एवर में भी, तो कुछ भी हो सकता है अमाउंट। तो 30th अप्रैल को, उसके बाद 31st मई को, उसके बाद जून के एंड में, जुलाई के एंड में हम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है मिड ऑफ एवरी मंथ मीन्स 15th अप्रैल को हम विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट, 15th मई को, 15th जून, 15th जुलाई, 15th अगस्त, इस तरह से हम पूरे 12 मंथ्स के लिए मिड में हम विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट। तो इस केस में क्या हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। प्रोडक्ट मेथड करेंगे तो भी वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ अगर आता है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रैल को उन्होंने अमाउंट विड्रॉ कर लिया, पूरे कितने टाइम के लिए वो अमाउंट यूज किया है, पूरे 12 मंथ्स के लिए यूज किया है। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि अमाउंट जो है वो यूज्ड कितना है फॉर 12 मंथ्स के लिए यूज किया है। उसके बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर वो करेंगे विड्रॉ, तो कब करेंगे, वो 1st of March को करेंगे। और 1st of March को जो विड्रॉ किया गया अमाउंट, वो उन्होंने कितने टाइम के लिए यूज किया है, सिर्फ 1 मंथ के लिए, तो वो +1, वो लास्ट का जो है वो 1 मंथ डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 13/2, 6.5 मंथ आ जाएंगे हमारे। कैसे किया है हमने ये, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ हम कोई ड्रॉइंग कर रहे हैं सेम अमाउंट की, तो उसके लिए हम फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे कि जो
फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमने वो अमाउंट कितने टाइम के लिए यूज किया, पूरे 12 मंथ्स के लिए यूज किया, और जो लास्ट ड्राइंग है उसका अमाउंट कितने टाइम के लिए यूज किया, सिर्फ 1 मंथ के लिए यूज किया। तो 12 + 1, 12 मींस की जो फर्स्ट विड्रॉन है और जो लास्ट विड्रॉ है, डिवाइड बाय 2, यह आएगा 13/2, 6.5 मंथ्स। अब इसी तरह से एंड ऑफ द मंथ का कैसे करेंगे, जो फर्स्ट ड्रॉइंग होगी वो 30 अप्रैल को होगी, 30 अप्रैल को विड्रॉ करने के बाद हमने कितने मंथ्स के लिए वही अमाउंट यूज किया है, 11 मंथ्स के लिए यूज किया है। तो 11 प्लस जो लास्ट ड्रॉइंग होगी वो कब होगी, 31 मार्च को होगी, और 31 मार्च को तो हम अपने क्या करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं, उसके बाद हमने तो वो यूज ही नहीं किया, अप्रैल में यूज किया है। तो 31 मार्च को हमने कितना यूज किया है, 0 मंथ्स के लिए, डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 5.5 मंथ्स। और इसी तरह से मिड ऑफ एवरी मंथ अगर हम फाइंड आउट करें, तो 15 अप्रैल को जो अमाउंट हमने विड्रॉ किया है तो वो हमने कितने टाइम के लिए यूज किया है, 11.5 मंथ्स के लिए, प्लस जो लास्ट ड्रॉइंग होगी वो कब की होगी हमने, 15 मार्च को, और वो कितने टाइम के लिए यूज की होगी, आधे महीने के लिए, 15 दिन के लिए यूज की होगी। तो 0.5 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 12/2 इज इक्वल्स टू 6 मंथ्स। तो अब जो हमारी ड्रॉइंग होगी वो हम सीधा सा जो हम लगाते थे कि जैसे कि 1000 × 10/100 और जितने टाइम पीरियड के लिए हमने वो अमाउंट यूज किया होगा वो फॉर्मूला लगाते थे ना, मान ली 9 महीने के लिए यूज किया, 6 महीने के लिए यूज किया, 3 महीने के लिए यूज किया, 3/12, 6/12। अब इसमें अगर फर्स्ट जो एवरी मंथ है तो हम कितना अमाउंट यूज, कितना टाइम यूज करेंगे, 6.5/12। अगर एंड ऑफ द मंथ है तो यहाँ पर क्या जाएगा, 5.5/12, और अगर मिड ऑफ द मंथ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/12। अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाय 12। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ऐसा ही केस हो कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, ऐसा भी केस बन सकता है कि एवरी क्वार्टर के फर्स्ट डे हम अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे वो भी, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब की होगी, 1 अप्रैल को, और लास्ट 1 जैन को। 1 अप्रैल वाला अमाउंट हमने कितने टाइम के लिए यूज किया, 12, 1 जैन वाला 3 मंथ्स के लिए, डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 15/2। तो हम सीधा सा हम दिखा सकते हैं 7.5 मंथ्स के लिए हमें जो है वो फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसी तरह से लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर आए तो लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट डे कब रहेगा, अप्रैल मई जून, 30 जून रहेगा, और लास्ट क्वार्टर का लास्ट डे क्या रहेगा, 31 मार्च रहेगा। इसमें कितने टाइम के लिए यूज किया हमने, 9 मंथ्स के लिए, और इसमें 0 मंथ्स के लिए, तो 0 डिवाइड बाय 2, 4.5 मंथ्स के लिए हम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मिड डे ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो वो सेम रहेगा, 6 मंथ्स के लिए यूज करेंगे हम। अब इसी तरह से अगर 6 मंथ्स 9 मंथ्स आ जाएंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है कितने टाइम पीरियड के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसका आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दो पार्टनर हैं ए एंड बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, वो ड्रॉइंग कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ₹2000 and ₹3000, इंटरेस्ट जो है वो हम लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा 9% पर एनम के हिसाब से। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज किया जाएगा उनसे, या मुझे बताइएगा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट जो है वो दो तरह से मेंटेन किए जाते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो तरह से मेंटेन किया जाएगा, फिक्स्ड
कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस रहता है? तो सबसे पहले तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो ओरिजिनल कैपिटल होगी, ओरिजिनल कैपिटल मींस जो जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, जब उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म जो है वो शुरू की थी, तब जो उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कैपिटल। तो ओरिजिनल कैपिटल जो होगी वो सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ओरिजिनल कैपिटल कॉन्स्टेंट रहेगी। सेकेंड क्या आ जाएगा, अगर उन्हें किसी भी तरह से अगर यूं महसूस होता है कि अब फर्म में और पैसा लगाने की जरूरत है, एडिशनल कैपिटल लगाने की जरूरत है, तो वो किसके थ्रू एडिशनल कैपिटल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? एग्रीमेंट के थ्रू। वो एग्रीमेंट करेंगे तभी जो है वो एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओरिजिनल कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद एग्रीमेंट के थ्रू वो एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज वो तो कांस्टेंट है ही, तभी तो वो चेंज होगी ना। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो ओरिजिनल कैपिटल है वो लाइफ टाइम तक ही क्या रहेगी? सेम रहेगी, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी जब तक कि कोई एग्रीमेंट ना बन जाए कि एडिशनल कैपिटल के लिए। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो है वो डेबिट बैलेंस भी उसका हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल में कभी भी डेबिट बैलेंस जो है वो नहीं होगा। फोर्थ, हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अगर हम मेंटेन करते हैं तो कैपिटल अकाउंट कितने बनेंगे? दो अकाउंट बनेंगे हर एक पार्टनर के, जितने भी पार्टनर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर्स होंगे, तब सभी के दो अकाउंट बनेंगे। क्या? एक तो कैपिटल अकाउंट के नाम से और दूसरा करंट अकाउंट के नाम से। अब कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल अगर कोई लगाई है या विड्रॉ की है तो बस वही हम उसमें शो करेंगे। उसके बाद करंट अकाउंट में क्या आएगा? जो हमारा बैलेंस रहेगा कैपिटल का, या जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह जो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, वो सब कुछ करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें आएंगी, या तो कैपिटल, या फिर अगर कोई एडिशनल कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, या फिर विड्रॉ की है, सिर्फ वही दो चीज जो है वो कैपिटल अकाउंट में आएंगी, करंट अकाउंट में बाकी सभी चीजें आएंगी। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कभी भी कैपिटल जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो फ्लक्चुएट होती रहती है, हम सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करते हैं इसमें। अब इसमें एडिशनल कैपिटल के लिए किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है जी। अब डेबिट बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल में तो नहीं होता था कभी भी, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डेबिट बैलेंस हो सकता है। कैपिटल अकाउंट कितने बनेंगे? सिर्फ एक बनेगा, एक ही अकाउंट बनेगा हर एक पार्टनर का, और वो किस नाम से होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, मान लीजिए दो ही पार्टनर हैं, ए बी, ए और बी, तो सबसे पहले तो क्या रहेगा हमारे पास? जो हमारे पास बैलेंस ब्रोट डाउन है या फिर जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो हमारे पास कैपिटल का अमाउंट था, बाय कैश और बैंक, या तो हम कैश से पैसा लाएंगे बिजनेस में या फिर हम बैंक के थ्रू लाएंगे। तो कैश और बैंक जो हमने एडिशनल कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस की है वो आ जाएगी। और अब यहाँ पर अगर हमने कोई विड्रॉ कर लिया अमाउंट, तो बाय कैश और बैंक से हम विड्रॉ करेंगे, उसके बाद बाय टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी हमारा बैलेंस हो जाएगा वो यहीं पर कैरी डाउन हो जाएगा। इसके अलावा और कोई एंट्री जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं की जाएगी,
उसके बाद दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी कौन सी एंट्रीज आएंगी, सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी हमारा बैलेंस जो है वो पिछला चल रहा है वो हम उसको क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन ये ए का है और ये बी का है, ए का और ये बी का। अब जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट हो सकता है, तो यहाँ पे तो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो। अब उसके बाद आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए क्या होती है, इनकम होती है, और फर्म के लिए क्या होती है, एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी बाय कमीशन बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो हम यहीं पर उसको ट्रांसफर कर देंगे। टू ड्रॉइंग, जो हमने ड्रॉइंग की है वो यहीं आएंगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और बाकी जो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये हमारा बनेगा करंट अकाउंट। और अब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनेगा, इन दोनों को मर्ज करके जो अकाउंट बनेगा वो कौन सा होता है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। मतलब कि उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी रहेगा, एडिशनल कैपिटल का अमाउंट भी रहेगा, उसमें से बीच में से जो ये हमने यहाँ पर करंट अकाउंट लिखा है ना, ये सारी एंट्रीज जो है वो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट में आएंगी, एक ही कैपिटल अकाउंट में आएंगी, और फिक्स्ड कैपिटल में हम ये दो अकाउंट बनाएंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर क्वेश्चन में हमें ना बताया जाए कि हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अडॉप्ट करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अडॉप्ट करना है, तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, मतलब कि कौन से अकाउंट्स जो है वहां पर बना कर आएंगे। तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो वो अडॉप्ट करेंगे। अगर किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, जैसे कि अगर तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाओ और करंट बनाओ, तो हम अलग अलग करेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीट करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, आप उसका आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, ए ऑप्शन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बी पी एंड एल अकाउंट, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डी नन ऑफ द अबव। आज की क्लास में बस इतना ही, कल की क्लास में हम मैनेजर्स कमीशन को डिस्कस करेंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।